तेरे अब्बा ने इतना मजबूत घर बनाया उस जगह पर क्योंकि उन्हें यकीन था कि वक्त बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं, लोग अच्छे हो रहे हैं। कि 2002 में 3 दिन तक उस घर को जलाया गया, उस घर को इतना जलाया गया कि हम सिर्फ वहां से थोड़ी सी राख लेकर कब्रिस्तान जाकर दफना करा गए। आज भी मैं वो घर में जाती हूं जब जहां पर मैं बड़ी हुई, जहां मेरे बच्चे खेले हैं, जहां मेरे अप्पा का बगीचा था, जहां उनकी किताबें थी। मैं चप्पल बाहर उतार कर जाती हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका सर कहां काटा गया था, उनके हाथ कहां काटे गए थे। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहती हूं कि आप सोच रहे होंगे जैसे कि मैं 32 साल से अमेरिका में हूं। तीस्ता ने एक बार एक आर्टिकल में लिखा था कि ये जो लड़ाई है वो बहुत अकेली लड़ाई है, इट्स अ लोनली रोड। मैं वहां रहती हूँ सिक्योर लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, लेकिन मैं वहां पर अकेली हूं क्योंकि कोई ये बात को सामने लाना नहीं चाहता। सब अपनी अपनी धुन में है, सब चाहते हैं कि ये बात मूव ऑन, फॉरगेट। लेकिन आपने एक या दो घर नहीं जलाए हैं, आपने हजारों घर जलाए हैं। हजारों लोगों ने, मैं आपको किस किस का एग्जाम्पल दूं, हमारे पास में खान अंकल रहते थे, उनके बच्चे 3 साल तक अस्पताल अस्पताल अपने अब्बा के लिए ढूंढते रहे, अपने अब्बा को ढूंढते रहे क्योंकि उन्हें लाश नहीं मिली उनकी। वो यही सोचते रहे कि कहीं अस्पताल में, कहीं गली में वो मिल जाएंगे। ये अहमदाबाद की मैं बात कर रही हूं आपको, ये 2002 की बात कर रही हूं मैं आपको। ये कोई गांव में अंधेरी रात में जहां पर पुलिस नहीं आ सकती हो, जहां पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती हो, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट बहुत दूर हो। गांधीनगर अहमदाबाद से 10 किलोमीटर पर है, गांधी आश्रम 5 किलोमीटर है। हम साइकिल लेकर गांधी आश्रम में खेलने जाया करते थे बचपन में। लेकिन उस दिन 2002 में जिस तरह की प्लानिंग की गई थी, हमारे अब्बा फोन पर फोन लगाते रहे कंट्रोल रूम को, हमारे अब्बा ने हर एक को बुलाया। उनके पास में एक ब्लैक बुक हुआ करती थी जिसमें उनके सब नंबर लिखे थे, उन्होंने सबको फोन किया, यहां तक कि फोन के वायर काट दिए गए। जब बहुत तंग आ गए वो, बहुत ही, जब उन्हें लगा कि उनको कोई मदद करने नहीं आने वाला है, और आपको पता ही है एक बहुत फेमस और बहुत मजबूरी में उन्होंने एक कॉल किया, जब उन्होंने देखा कि लड़कियों को खींचा जा रहा है बाहर, छोटे छोटे बच्चों को खींच खींच के ले जा रहे हैं, हर तरफ घर की खिड़कियां तोड़ दी गई है और अंदर गैस के टैंक छोड़े फेंके जा रहे हैं उनको जला जला के। उन्होंने आखिरी बार में उनको फोन किया और आपको पता है कि उनको वहां से क्या जवाब आया, जाफरी यू आर ऑन योर ओन। अब आप सोचिए 2002, 15 साल पहले की बात है। 1969 में मैं समझ सकती हूं कि आपके पास में फोन नहीं हुआ करते थे, आप कहां थे, अंधेरी रात थी जब हमारे अम्मी हम दोनों बच्चों को लेकर भागे थे। लेकिन 2002 में अनलेस यू प्लान, अनलेस यू डिड एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। हमारे अब्बा जिस जगह पर रहते थे पूरी तरफ से मेजॉरिटी कम्युनिटी का घेराव था, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंस थे, उनमें कॉन्फिडेंस था कि मैं यहां रहकर ब्रिजेस बनाऊंगा, लोगों में मोहब्बत बढ़ाऊंगा, मैं कहीं दूर जाकर नहीं रहूंगा, मैं यहीं पर सबके साथ मिलकर रहूंगा। हम वहां पर रहे उनके साथ में, सबसे हम खेलते थे, हम हर इंसान को वहां पर 2-2, 3-3 किलोमीटर तक सबको जानते थे। बचपन में तो आपको याद ही होगा कुछ सामान लेना होता है तो हम थैली लेकर जाते हैं, कम से कम 10-15 ब्लॉक चलकर जाते हैं। लेकिन 2002 के दिन कोई नहीं आया, हमारे अब्बा ने ये दंगल अकेले लड़ा। वो 73 इयर्स के थे, इसलिए मुझे लगता है कि अगर फिर से एक बार इस तरह की प्लानिंग करना, ये इलेक्शंस वगैरह आने के वक्त जब भी होगी, कोई उसमें
इनको देर नहीं लगेगी। जब भी इलेक्शन आता है अब मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मासूम लोगों की जान जाएगी। ऐसे कभी डेमोक्रेसी में होता? सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।